हेलो गाइस, वेलकम टू राम एकेडमी। आज हम एक्सरसाइज 5.3 करने जा रहे हैं, क्लास 12th। ओके, तो इसको करने से पहले हम थोड़े बेसिक फॉर्मूलेस देख लेते हैं। ये एक्सरसाइज किसके बारे में है? तो ये एक्सरसाइज बेसिकली, इस एक्सरसाइज में हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन की डिफरेंशिएशन पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है? तो अगर हमें डिफरेंशिएशन करनी हो e की पावर एक्स की, ठीक है, अगर आपको e की पावर एक्स की डिफरेंशिएशन करनी हो तो इसका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है e की पावर एक्स की डिफरेंशिएशन e की पावर एक्स ही होगी, और जो x होगा, ठीक है, जहां पे मैं सर्कल पा रहा हूँ वो x होगा, तो इसकी x की डिफरेंशिएशन आपने दोबारा से कर देनी है। ओके, तो जैसे एग्जांपल मान लेते हैं, एग्जांपल की अगर मुझे डेरिवेटिव दिया हुआ है e की पावर एक्स स्क्वायर का, ठीक है, तो ये मेरा x है, तो e की पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, e की पावर एक्स ही होगा, और डेरिवेटिव दोबारा से कर देना है आपने एक्स स्क्वायर का। तो एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, एक्स का डेरिवेटिव हो गया आपका 2x, तो आंसर आ गया आपका e की पावर एक्स स्क्वायर 2x। सिमिलरली इसमें हमें लॉग फंक्शन भी दिया हुआ है, तो लॉग फंक्शन की डेरिवेटिव कैसे करेंगे, तो मान लो कि आप अगर आपके पास लॉग x है, ठीक है, वैसे तो डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग x जो है, अगर सीधा आप डेरिवेटिव करो लॉग x का, तो ये x है देखो, तो लॉग x का डेरिवेटिव होगा सीधा 1/x, और जो सर्कल जिसपे पाया मैंने x पे, इसकी दोबारा से भी डेरिवेटिव करनी होती है, तो अगर आप दोबारा से डेरिवेटिव करोगे, अगर आप दोबारा से डेरिवेटिव करोगे इसकी, तो वो क्या होगी, वो हो जाएगा आपका 1, तो x का डेरिवेटिव हो गया आपका 1। तो सिमिलरली यहाँ पे क्या करना है आपने, यहाँ पे आपने डिफरेंशिएट लिख देना विद रिस्पेक्ट टू बोथ साइड डीडीएक्स, यहाँ पे भी आपने कर दिया डीडीएक्स, ये आपका लॉग x है, तो लॉग x का डेरिवेटिव क्या होगा 1/x, और x का डेरिवेटिव करोगे तो सेम ही चीज हो गई, ये कट जाएगा और ये आ गया 1/x। तो आप जैसे मर्जी कर लो, ये आपका e की पावर x का डेरिवेटिव हो गया, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन करके देखते हैं हम, पहला क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पे, पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें, e की पावर x अपॉन में साइन x, ठीक है, तो इसको हमने करना है फर्स्ट क्वेश्चन। आ जाओ स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन है हमारा y इज इक्वल्स टू e की पावर x डिवाइड बाय साइन x, तो हम इसमें क्या करेंगे, हम डेरिवेटिव कर देंगे dy बाय dx इज इक्वल्स टू ddx ऑफ e की पावर x डिवाइडेड बाय साइन एक्स। तो अब आपको सबको पता है कि यहाँ पे क्या लगेगा, यू ओपन वी लग जाएगा, ठीक है, यू ओपन वी का क्या फॉर्मूला होता है, ठीक है, अगर डेरिवेटिव आप कर रहे हो यू ओपन वी का, तो इसमें क्या होता है फॉर्मूला, पहले आप लेते हो वी, ठीक है, पहले आप लेते हो वी, फिर डेरिवेटिव करते हो यू का, फिर माइनस यू, फिर डेरिवेटिव करते हो आप वी का, और डिवाइड में करते हो आप वी स्क्वायर, ठीक है कि नहीं। तो वैसे यहाँ पे ये आपका हो गया यू ऊपर वाला, और नीचे वाला हो गया आपका वी, ठीक है, तो ये आ गया वी, पहले वी ले लिया मैंने, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ यू, ये यू हो गया, माइनस यू, ठीक है, और डेरिवेटिव ऑफ वी डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर, तो वी का स्क्वायर, साइन एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये करो इसको आगे, साइन एक्स का तो साइन एक्स आ गया, ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, वो ई की पावर एक्स ही होगा, ई की पावर एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ डेरिवेटिव तो करना नहीं, तो ये आ गया साइन स्क्वायर एक्स, बस ये आ गया आंसर। अगर आप चाहो तो यहाँ पे e की पावर x कॉमन ले लो, तो अंदर आ जाएगा साइन x माइनस कॉस x अपॉन साइन स्क्वायर x, सेम चीज हो गई, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है, तो ये आ जाएगा देखो साइन x माइनस कॉस x ठीक है डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर x, ये आपका आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो क्या दे रखा है, e की पावर साइन इनवर्स x, e की पावर साइन इनवर्स x, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड कैसे करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर सेकंड है y इज इक्वल्स टू e की पावर साइन इनवर्स x। ओके, तो हमने क्या करना है, डिफरेंशिएट बोथ साइड लिख दो, ddx ऑफ, या अगर ddx ऑफ e की पावर साइन इनवर्स x, ठीक है, अब मैंने आपको बोला था कि e की पावर x, तो e की पावर x, तो यहाँ पे क्या होता है, यह हो गया e की पावर x, ठीक है, e की पावर x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, e की पावर x की डिफरेंशिएशन होती है e की पावर x, वो सेम होती है, और जो x में है, x क्या है, साइन इनवर्स x, तो जो x में है उसको आप उसकी डिफरेंशिएशन कर दो, तो ये मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ है कि साइन इनवर्स x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, वो होती है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो आपका आंसर आ जाएगा, आपका आंसर कितना आ गया, e की पावर साइन इनवर्स x, e की पावर साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है, आप इसको समझ लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड, देखो ये तो मैंने अभी करा ही दिया आपको,
क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा e की पावर x क्यूब। चलो लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड को, e की पावर x क्यूब। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ओके यहाँ लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है मेरा y इज इक्वल्स टू, क्वेश्चन नंबर थर्ड है मेरा y इज इक्वल्स टू e की पावर x स्क्वायर। तो बस कुछ नहीं है, डी डी एक्स ऑफ y इज इक्वल्स टू डी डी एक्स लगाया मैंने यहाँ पे e की पावर एक्स स्क्वायर। गोला पाया, ये मेरा x है तो e की पावर x की तो सेम लिख दो पहले, बस सेम लिख दिया मैंने, ठीक है। फिर एक्स स्क्वायर की होगी, एक्स स्क्वायर की हो गई e की पावर एक्स की होगी e की पावर एक्स स्क्वायर, यहाँ लिख दिया मैंने, और डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन तो आपको पता ही है, अगर आप इस एक्सरसाइज पे हो और नहीं पता तो एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन टू एक्स होती है, टू एक्स और डॉट में ई की पावर एक्स स्क्वायर। डॉट का मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है हमारा साइन टेन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स। ओके ध्यान से, साइन फोर्थ क्वेश्चन, साइन वाई इज इक्वल टू साइन साइन टेन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स, दोनों पे इनवर्स है। तो मेरे लिए तो देखो, मेरे लिए क्या है ना, मेरे लिए साइन के अंदर ये जो सारा का सारा मेरे लिए एक्स है, तो मैंने यहां लगा देना गोला, ठीक है, कि मेरे को साफ पता है कि ये मेरा एक्स है। तो अब डेरिवेटिव लगाएंगे, तो डी डी एक्स यहाँ पे लगाया मैंने, डी डी एक्स यहाँ लिख दिया मैंने साइन टेन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स। अब यहाँ पे एक और चीज सीखो आप, चलो बाद में बताता हूँ क्वेश्चन के बाद, पहले कर लो। साइन इनवर्स, साइन एक्स की क्या होती है, साइन एक्स की डिफरेंशिएशन होती है कॉस पूरा पूरा एक्स, एज इट इज उतार दो, और दोबारा से डी डी एक्स ऑफ एक्स हो गया, दोबारा से एक्स की डिफरेंशिएशन करनी है हमने, ठीक है। तो ये हो गया कॉस टेन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स, और टेन इनवर्स एक्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला मैंने पिछली वीडियो में कराया हुआ है कि वो होता है वन बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर। लेकिन एक्स क्या है, दैट इज पॉइंट, एक्स क्या है आपका, एक्स आपका देखो क्या है, एक्स ही तो आपका ई की पावर माइनस एक्स है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका क्या हो गया, स्क्वायर हो गया यहाँ पे, ठीक है, ये नीचे स्क्वायर कर दिया। अब दोबारा से एक्स की डिफरेंशिएशन करना मत भूलना, दोबारा करनी है। तो ये आ गया कॉस टेन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स इंटू वन बाय वन प्लस, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में, ये देखिए ई की पावर माइनस टू एक्स, ठीक है, और ई की पावर माइनस एक्स की डिफरेंशिएशन ई की पावर माइनस एक्स ही होती है, और फिर से एक्स मत भूल जाना, यही तो लॉजिक है, ठीक है, यही तो लॉजिक है कि ये क्वेश्चन लगता इजी है, ठीक है, फिर से एक्स मत भूल जाना। तो यार डिफरेंशिएशन और दोबारा से मैंने माइनस एक्स कर दिया, तो फाइनल आंसर में मेरा माइनस आ रहा है, माइनस ऊपर में मेरा ई की पावर माइनस एक्स आ रहा है, नीचे आ रहा है मेरा कॉस टेन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स और वन प्लस ई की पावर माइनस टू एक्स, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ हो गया हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पे चलते हैं अब हम, ठीक है, ये फोर्थ था, अब फिफ्थ ईयर आ, फोर्थ ईयर है ना, फिफ्थ क्वेश्चन का है, फिफ्थ ईयर y इज इक्वल टू लॉग कॉस ई की पावर x, y इज इक्वल टू लॉग कॉस ई की पावर x, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, y इज इक्वल टू लॉग कॉस ई की पावर x, ठीक है, ओके। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, डिफरेंशिएट बोथ साइड कर दो, dy वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ लॉग कॉस ई की पावर x, ठीक है। तो अब log x, log x देखो, ये log x है मेरे लिए, पूरा x है जो मैंने मार्क किया है। तो log x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, log x की डिफरेंशिएशन होती है 1 बाय x, तो जो x वाली वैल्यू वो नीचे आ चुकी है, और डेरिवेटिव दोबारा कर दो, डेरिवेटिव दोबारा कर दो, किसका करना है डेरिवेटिव दोबारा, x का cos e की पावर x। अब यहाँ पे फिर से x पहचानो, cos x, cos x पढ़ने का तरीका देखो, cos x, cos x की डेरिवेटिव क्या होगी, ठीक है, cos x का डेरिवेटिव क्या होगा, तो पहले इसको लिख देते हैं, जो हो गया है cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x, ठीक है, और x की दोबारा से डिफरेंशिएशन करनी है आपको, डेट इज e की पावर x, ठीक है। तो e की पावर x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, e की पावर x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, e की पावर x ही होती है, ये आ गया माइनस साइन e की पावर x, और e की पावर x की डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है, ये मल्टीप्लाई मत कर देना अलग अलग है ये, तो ये आ गया मेरा माइनस e की पावर x, पहले लिख देते हैं मल्टीप्लाई में, साइन e की पावर x डिवाइडेड बाय कॉस e की पावर x, तो ये आ गया माइनस टेन e की पावर x और मल्टीप्लाई में e की पावर x, तो ये आपका आंसर होगा यहाँ पे, ठीक है, चेक कर लो, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है, चेक कर लो, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सिक्स होगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर सिक्स में है e की पावर x प्लस e की पावर x की पावर टू
और ये 5 तक है, तो कैसे करेंगे इसमें? कुछ नहीं है, ये बहुत इजी है क्वेश्चन नंबर 6 तो आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देखो, y इज इक्वल्स टू e की पावर x प्लस e की पावर एक्स स्क्वायर, और ऐसे डॉट 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 करके ना e की पावर एक्स की 5 रख दिया हुआ है, तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे डॉट 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 का क्या करना है। कुछ नहीं करना है, डॉट 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 का खोल देना है बस हमने, e की पावर एक्स स्क्वायर प्लस e की पावर एक्स क्यूब प्लस e की पावर एक्स फोर प्लस e की पावर एक्स, बात खत्म हो गई। अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर दो, एक बार डिफ्रेंशिएशन किसकी होगी बताओ, e की पावर एक्स की होगी, एक बार डिफ्रेंशिएशन किसकी होगी बताओ, e की पावर एक्स स्क्वायर की होगी, एक बार डिफरेंशिएशन किसकी होगी बताओ, e के पावर एक्स क्यूब की होगी, एक बार फिर से किसकी कर देंगे, e के पावर एक्स फोर की, ये गलत सा लग रहा है, और ये हो गया डी डी एक्स और e के पावर एक्स की पावर 5 की, एक्स उल्टा बन गया। e के पावर एक्स की डिफरेंशिएशन e के पावर एक्स होती है, और e के पावर एक्स स्क्वायर की मैंने अभी बताया थी, e के पावर एक्स स्क्वायर होती है, और एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन आपने दोबारा से करनी है, ठीक है, और e के पावर एक्स क्यूब की डिफरेंशिएशन, e के पावर एक्स क्यूब की डिफरेंशिएशन e के पावर एक्स क्यूब होगी, e की पावर एक्स क्यूब होगी, और डेरिवेटिव कर दोगे आप किसका, एक्स क्यूब का, और e की पावर एक्स क्यूब 4 की डिफरेंशिएशन e की पावर एक्स 4 होगी, और डेरिवेटिव किसका कर दोगे आप, एक्स 4 का, ठीक है। अब e की पावर एक्स 5 की क्या होगी, e की पावर एक्स 5, और डेरिवेटिव कर दोगे किसका आप, एक्स की पावर 5 का, तो ये आ गया आंसर आपका e की पावर एक्स, और एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन देखो यहाँ पे क्या होगी, एक्स स्क्वायर की होगी 2x e की पावर एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब की डिफरेंशिएशन क्या होगी 3x स्क्वायर e की पावर एक्स क्यूब, ठीक है, एक्स की पावर 4 की क्या होगी 4x³ e की पावर एक्स की पावर 4, और एक्स 5 की क्या होगी 5x की पावर 4 e की पावर एक्स 5 की पावर 5, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6 का भी सॉल्यूशन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेवंथ क्वेश्चन बड़ा ही देखो अंडर रूट सा दिख रहा है कुछ, है ना। सेवंथ क्वेश्चन है मेरा, ये रूट ई और ई की पावर में रूट एक्स, ठीक है, लेट्स स्टार्ट करते हैं सेवन क्वेश्चन। सेवन क्वेश्चन, वाई इज इक्वल टू रूट में ई की पावर रूट एक्स। देखो इसको करने के लिए ना बहुत ही आसान तरीका समझाता हूँ मैं आपको, ठीक है, ये वाला अदरवाइज बहुत पेचीदा कर देगा आपको, आप यहाँ पे समझो। अगर मुझे बोला हो कि वाई इज इक्वल टू रूट एक्स की डिफिनेशन बताओ, तो मैं इसको मानता हूं कि पहले तो ये मेरा x की पावर 1/2 है, फिर मैं इसका डेरिवेटिव लेता हूँ डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 1/2, फिर इसमें x की पावर n लगाता हूँ जो कि मेरे को कहता है एन एक्स एन माइनस वन, फिर ये आता है 1/2 एक्स की पावर माइनस 1/2, और ये फिर ये जो 1/2 है वो नीचे जाता है और ये बनता है 1/2 रूट एक्स, समझे। इसका मतलब सीधा सीधा क्यों ना याद करूं मैं कि रूट एक्स की डिफरेंशिएशन जो होगी वो 1/2 रूट एक्स होती है। अब अगर मैं ऐसा एग्जाम्पल ले लूँ, कोई भी एग्जाम्पल मान लो यही है, ठीक है, एग्जाम्पल ले लो, जैसे कि एक मिनट चलो एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मैंने मान लिया वाई इज इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस टू ले लिया। अब ये पूरा का पूरा मेरा एक्स है, तो इसकी डिफिनेशन सीधा मुझे पता है, देखो क्या होगी 1/2 रूट एक्स, एक्स हो गया ना ब्रैकेट के अंदर जो भी है, वी आर डेरिवेटिव कर दिया एक्स का, बस हो गया आंसर। अगर मेरे पास वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 है मान लो, और आपने इसका डेरिवेटिव करना है, तो आप क्या करोगे 1/2 रूट एक्स जो भी ब्रैकेट के अंदर है वो एक्स है, और डी डी एक्स ऑफ ये वाला डी डी एक्स ऑफ एक्स दोबारा से कर दो, बस इतना सा लॉजिक है। मतलब आप पहले रूट एक्स को समझ लो, ठीक है, फिर आप कर लो। आप क्वेश्चन देखो जरा, क्वेश्चन देखो जरा, क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन था हमारा, तो यहाँ डेरिवेटिव कर दो, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ रूट में ई के पावर रूट एक्स, ये मेरा जो ब्रैकेट के अंदर है ना, ये सारे सारा मेरा एक्स है, ठीक है, तो कितना आ गया ये, तो मैंने फॉर्मूला याद किया है, क्या याद किया, रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स, अंदर आ गया एक्स, और डेरिवेटिव फिर से कर दिया मैंने एक्स का, समझ आई बात, दैट इज द पॉइंट, यही तो पॉइंट है, ठीक है। अब ये देखो इजी हो जाएगा ना, ये तो ऐसे ही आ गया, और ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स की डिफिनेशन भैया ई की पावर एक्स ही होती है, और रूट एक्स ही फिर से कर दो, तो ये आ गया 1/2 रूट ई की पावर रूट एक्स, ई की पावर रूट एक्स, और रूट एक्स का भी बता करता हूं मैं, क्या 1/2 रूट एक्स कितना बन गया, ये कितना बन गया, ये 2 2 4 ई की पावर 1/4 एक्स अपॉन में रूट ई की पावर एक्स और रूट एक्स। अब ये वाला रूट और ये वाला रूट देखो सेम है, तो आप चाहो तो इसे अंदर भी ले जा सकते हो, ठीक है, और एक्स ये बन गया, ठीक है, देखो ये दोनों रूट सेम थे ना, तो ये सेम रूट मन में आ गया, ठीक है, तो
तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहे हैं अच्छे से। और नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम, सेवन पूरी एक्सरसाइज खत्म करेंगे हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेवन, अब एट पे चलते हैं। एट क्वेश्चन देखो आप, लॉग ऑफ लॉग एक्स, ओके ठीक है। क्वेश्चन नंबर एट पे आ जाओ, लॉग ऑफ लॉग एक्स, क्वेश्चन नंबर एट, ठीक है। यहां लिख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर एट ना, ओके लेट्स स्टार्ट। वाई इज इक्वल्स टू, वाई इज इक्वल्स टू, वाई इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ लॉग एक्स। हाँ जी, तो क्या करें अब इसका बताओ, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, डेरिवेटिव लो पहले तो। आप हमेशा आपने ना प्रॉपर मेथड से करना है, लॉग ऑफ लॉग एक्स, ब्रैकेट लगा दिया। अब देखो एक्स क्या है, पहले ये पकड़ते हैं, एक्स है मेरा ये जिसपे मैंने गोला पाया है, और इसको मैं पढ़ूंगा लॉग एक्स, ठीक है। ये क्या है मेरा लॉग एक्स, तो लॉग एक्स है तो डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स क्या होता है, वन बाय एक्स, एक्स तो ये चला गया, ठीक है। और फिर डेरिवेटिव कर दो आप एक्स का, ठीक है। तो ये आ गया वन बाय लॉग एक्स। अब यहाँ पे एक्स क्या है, ये एक्स है, ठीक है, ये एक्स है, तो ये आ गया लॉग एक्स, डेरिवेटिव होता है वन बाय एक्स, तो बस खत्म। और डेरिवेटिव दोबारा से करना पड़ेगा एक्स का, भूल मत जाना, गलती कर देते, एक्स एक्स कट गया और आंसर आ गया, क्या आ गया आंसर मेरा, आंसर आ गया है मेरा वन बाय एक्स लॉग एक्स, ठीक है, ठीक है, वन बाय एक्स लॉग एक्स आ चुका है मेरा आंसर, ठीक है। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर एट का। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नाइन्थ क्या देख लेते हैं, खत्म करना है हमने आज। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ है हमारा कॉस एक्स बाय लॉग एक्स, ओके चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ पे आ गए हम। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ है मेरा वाई इज इक्वल्स टू, वाई इज इक्वल्स टू, ठीक है, वाई इज इक्वल्स टू कॉस एक्स बटे में लॉग एक्स। तो अब ये ऊपर नीचे है तो इसका मतलब यू अपॉन वी लगा देंगे, तो डेरिवेटिव कर दो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स डिवाइडेड बाय लॉग एक्स, ठीक है। यू ओपन वी लगा दो, तो पहले यू ओपन वी का फॉर्मूला आपको पता है, पहले वी आता है, तो मैंने लिख लिया वी डेरिवेटिव ऑफ यू माइनस यू डेरिवेटिव ऑफ वी अपॉन में क्या आ गया वी का स्क्वायर, ठीक है, ये आ चुका है मेरा। देखो तो आप देखो कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, तो इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिखा है। फिर आ गया माइनस कॉस एक्स, लॉग एक्स का होता है वन बाय एक्स, ध्यान देना ये वन बाय एक्स में, नीचे डेरिवेटिव आ गया लॉग एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वन है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा मुझे, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा मुझे, एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे वन है और यहाँ एक्स है, तो वन और एक्स का एलसीएम कितना होता है एक्स, तो ये जो एक्स है ये ऊपर वाले जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिंपल सा रूल होता है, ठीक है। तो एक्स लॉग एक्स, और यहाँ माइनस है ये वाला, तो माइनस बाहर लगा दिया, साइन एक्स और माइनस कॉस एक्स और डिवाइड में आ गया लॉग एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या होगा ये देखो, ये यहाँ पे क्या है ना, ये ऊपर ये डिवाइड है, ये वाला डिवाइडेड, ये वाला डिवाइड, ये बड़ा डिवाइड है बड़ा, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब अगर जैसे कि ये माइनस एक्स लॉग एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स आ गया ना, तो नीचे आ जाएगा ये एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, क्लियर हो गई बात। ये वाला डिवाइड है ना, फुल डिवाइड, फुल डिवाइड इज दिस, ये वाला पूरा डिवाइड, तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया, ठीक है, ध्यान रखना है अपने। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस, क्वेश्चन नंबर टेंथ, ठीक है, क्वेश्चन नंबर टेंथ पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर टेंथ देखो आप, क्वेश्चन नंबर टेंथ देखो आप, क्वेश्चन नंबर टेंथ क्या है, कॉस लॉग एक्स प्लस ई की पावर एक्स, ठीक है, कॉस लॉग एक्स प्लस ई की पावर एक्स, क्वेश्चन नंबर टेंथ आ जाओ। क्वेश्चन नंबर टेंथ क्या है मेरा, कॉस वाई इज इक्वल टू कॉस लॉग एक्स प्लस ई की पावर एक्स। देखो ध्यान से देखो क्या करेंगे हम, कुछ नहीं है, सीधा डेरिवेटिव लिखो दोनों तरफ, ठीक है, डेरिवेटिव लिया डी वाई बाई डी एक्स, ओके इज इक्वल्स टू डी डी एक्स ऑफ कॉस लॉग एक्स ई की पावर एक्स, ठीक है। अब ये जो है ये जो एक्स दिख रहा है आपकी पूरा पूरा जिसपे सर्कल पाया मैंने, ये कॉस एक्स बोलूंगा मैं इसको, ठीक है, कॉस एक्स। तो कॉस एक्स का डेफिनेशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स, और डेरिवेटिव दोबारा से कर देंगे हम किसका, एक्स का, ठीक है, लॉग है लॉग एक्स प्लस ई की पावर एक्स, ठीक है, ये लॉग एक्स है प्लस ई की पावर एक्स, ठीक है।
तो ये हो गया मेरा माइनस साइन लॉग एक्स प्लस ई की पावर एक्स, और लॉग एक्स का अलग होगा डिफरेंशिएशन, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन अलग होगा और ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन भी अलग होगा, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये आ गया माइनस साइन लॉग एक्स प्लस ई की पावर एक्स, और लॉग एक्स का डेरिवेटिव हो गया वन बाय एक्स, और ई की पावर एक्स का हो गया ई की पावर एक्स। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। ये है क्वेश्चन नंबर 10th, और यहां से हमने ये किया देखो, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से। तो पूरी पूरी जो आपकी 5.4 है, सॉरी ये स्टार्टिंग में मैंने 5.3 बोल दिया लगता है ना, ये 5.4 कर रहे हैं, एक्सरसाइज 5.4 है ये, ठीक है, एक्सरसाइज 5.4 है ये, ध्यान रखना है आपने। ये 5.3 गलती से बोल दिया होगा मैंने, ठीक है, ध्यान नहीं रहा होगा मेरा। तो पूरी ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट्थ जो है नाइन्थ टेंथ सारे क्वेश्चन आपको करा दिए। तो अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, और कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछे। थैंक यू सो मच।